हाय गाइस, कैसे हो? मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन इंग्लिश की वर्चुअल क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज हम लोग विश्वास का लेसन 6 ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजैन हिल की समरी पर डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है मिस्टर लैम्ब, जो एक बूढ़े आदमी है जिनका एक टांग युद्ध में कट चुका है और जो टिन की टांग लगा करके चलते हैं। दूसरा है डेरी, यह 14 साल का बच्चा है जिसका आधा फेस जल गया है। कहानी में वैसे लैम सोचते हैं कि वो आग से जला होगा, लेकिन डेरी बताता है कि उसके चेहरे पर एसिड गिर गया था। अब चाहे आग से जला हो चाहे एसिड से जला हो, लेकिन डेरी का चेहरा आधा जला हुआ है। और तीसरा करैक्टर है डेरी की माँ। ये 3 करैक्टर हैं। तो जिस तरीके से 3 करैक्टर इसमें है बेटा, उसी तरीके से 3 इसमें सीन भी हैं। पहला सीन मिस्टर लैम्ब के सेब के बागीचे का है, दूसरा सीन डेरी के घर का है, और तीसरा सीन फिर लैम्ब के सेब के बागीचे का है। तो एक कहानी को मैं पहले एक बार शॉर्ट करता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल करता हूँ। प्यारे बच्चों, यह कहानी एक 14 साल के छोटे से बालक डेरी की है जिसका चेहरा जल गया है, और मिस्टर लैम्ब की है जो एक डिसेबल्ड ओल्ड मैन है जिसकी एक आर्टिफिशियल लग है और वो आर्टिफिशियल लग टिन की बनी है। डेरी एक दिन एक्सीडेंटली मिस्टर लैम्ब के सेब के बागीचे में जाता है ताकि कोई वो उसे देख ना सके और वह अपने आप को लोगों से छुपा सके, खासकर उन लोगों से छुपा सके जो उसके बर्ट फेस से नफरत करते हैं। लेकिन वहां पर अपने आप को छुपाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर लैम्ब न केवल डेरी का स्वागत करते हैं बल्कि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करते हैं। साथ ही साथ मिस्टर लैम्ब उसे यह भी समझाते हैं कि वो अपने अतीत के बुरे चीजों को, जितनी बुरी चीजें, वो भूल जाए। ये इस कहानी का मूल भाव है। और इस कहानी को प्रारंभ करते हैं गाइस, इस कहानी में एक्चुअली 2 लोगों की हार्ट टचिंग कन्वर्सेशन है जिनका नाम है डेरी, एक का नाम है लैम्ब। यह कहानी यानी ऑन द फेस ऑफ इट इन दोनों कैरेक्टर से, यानी मिस्टर लैम्ब और डेरी, इन दोनों कैरेक्टर के जीवन के जीने के नजरिए को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि जहां लैम्ब जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वहीं डेरी जो है वो जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और अपने जले चेहरे के कारण हमेशा दुखी रहता है, अपने जले चेहरे के कारण हमेशा निराश रहता है। कहानी का प्रारंभ होता है कि डेरी एक बागीचे की दीवार को चढ़ने फादने का प्रयास करता है और एक बागीचे में, सेब के बागीचे में चुपके से प्रवेश करता है ताकि कोई उसे देख ना पाए और वह वहीं पर छिपा रहे। पर तभी सामने बागीचे के मालिक मिस्टर लैम्ब डेरी के सामने आ जाते हैं। डेरी मिस्टर लैम्ब को देख करके पहले तो डर जाता है और कहता है कि देखिए, मैं यहाँ पर कोई चोरी वोरी करने नहीं आया, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक सेब लेने आया हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि देखो बच्चे, मेरा तो जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है, मैं यहाँ पर आप किसी को भी आने जाने से रोकता नहीं हूँ। तुम्हें दीवार को कूद करके, तुम्हें दीवार को फाद करके आने की क्या जरूरत थी जब गेट खुला रहता है? कोई भी यहाँ जब चाहे तब आ सकता है और जितनी देर तक चाहे यहाँ पर रुक सकता है। और लैम्ब इतना कहने के बाद डेरी को एक सेब देते हैं। तब डेरी लैम्ब से बहुत प्रभावित हो जाता है और कहता है कि देखो, क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? मेरा चेहरा जो है आधा जला है और इतना डरावना है कि हर कोई व्यक्ति जब भी मुझे देखता है बिल्कुल डर जाता है, मुझसे दूर भागता है।
पर आपने तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। आश्चर्य है, आश्चर्य नहीं, मुझे घोर आश्चर्य है। लैम कहते हैं कि देखो बच्चे, मेरी एक टांग नहीं है, मेरी जो एक टांग है वो टिन की है, मैंने अपना एक टांग युद्ध में खो दिया है, और यही वजह है कि हम दोनों वर्तमान में एक जैसे हैं। डोंट वरी। डेरी कहता है कि डेरी यही सब बात करना चाहता है, पर लैम टॉपिक चेंज करना चाहते हैं। पर लैम जो है वो टॉपिक चेंज करते हैं और डेरी से कहते हैं कि चलो हम दोनों मिल करके सेब तोड़ते हैं ताकि उस सेब से जेली बनाई जा सके। लेकिन डेरी वही बात करना चाहता था, अपने जो हैंडीकैप्ड पोजीशन है उसी बात पर रहना चाहता है, अपने जले हुए चेहरे पर बात करना चाहता है, उनके कटे हुए टांग पर बात करना चाहता है। लैम्प को लगता है कि इस बच्चे का चेहरा आग से जला होगा, पर डेरी कहता है कि मेरा चेहरा आग से जला नहीं है, मेरा चेहरा एसिड से जला है। लैम्प कहते हैं कि देखो बच्चे, हम दोनों की जो स्थिति है समान है, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरी टिन की टांग है, तुम भी एक प्रकार से विकलांग हो, हैंडीकैप्ड हो, डिसेबल्ड हो, मैं भी हैंडीकैप्ड हूँ, मैं भी डिसेबल्ड हूँ। ऐसे ये लोग आपस में बात करते हैं कि हम दोनों को इसी विकलांगता के साथ जीना है, तुम्हें अपने बदसूरत चेहरे के साथ और मुझे अपने कटे हुए टांग के साथ जीना है। डेरी कहता है कि हम दोनों एक समान नहीं है, आप बूढ़े हैं और आपका जीवन कुछ ही समय का है, बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मैं तो अभी बालक हूँ, मुझे भी बहुत सारी जिंदगी जीनी है, लोग मुझसे डरते हैं, मेरे चेहरे को देख करके मेरा मुझको चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं, ये सब कुछ अब हमारे जीवन का हिस्सा हो जाना चाहिए। मिस्टर लैम बोलते हैं, लोग तो मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे तो बाकायदा नामकरण कर चुके हैं, लोग तो मुझे लैमी लैम भी कहते हैं, बार बार जब भी मुझे देखते हैं, मेरे कटे टांग को देखते हैं, लैमी लैम, लैमी लैम चिल्लाते हैं, पर मुझे बच्चे इसका बुरा नहीं लगता, मेरे आदत बन गई है इस बात को सुनने की, मेरी आदत बन गई है इन समस्त चीजों को सहने की, मैं तो अब इसी के साथ जीता हूँ और इसी को खूब इंजॉय करता हूँ। डेरी कहता है कि मेरा चेहरा इतना भयानक है कि कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता। लैम उसे समझाता है और कहता है कि देखो डेरी, तुम्हारे दो हाथ हैं, तुम्हारे दो पांव हैं, दो आंखें हैं, सब कुछ तो ठीक है तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ चेहरा ही जला है, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें इसी के साथ लंबे समय तक जीना है, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, पर इस तरीके से खुद को किसी कमरे में कैद कर लेना, खुद को किसी गार्डन में आकर के छिपा लेना, ये अच्छी आदत नहीं है। डेरी कहता है कि देखो लैम, सब औरतें मुझे देख करके कहती हैं कि इसका चेहरा इतना भयानक है कि इसे अगर कोई प्यार कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी माँ और कोई नहीं। यह सब सोच करके डेरी बहुत दुखी हो जाता है। लैम्ब उसे समझाते हैं कि देखो बच्चे, तुम्हें यह सब सोच करके बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, कब तक डर डर करके जियोगे। और तब लैम्ब डेरी को एक कहानी सुनाते हैं कि डेरी, एक आदमी था जो हमेशा अपने आप से डरता था, अपनी विकलांगता से डरता था, अपनी बदसूरती से डरता था, इसीलिए वो हमेशा अपने कमरे में कैद रहता था, कभी अपने कमरे से निकलता ही नहीं था। और एक दिन उसके ऊपर एक तस्वीर गिरी और वह मर जाता है। वह आदमी ना तो जीवन का खुद ही जीवन भर ना तो खुद ही खुश रह सका और ना ही दूसरे को खुश रखा, उसका पूरा का पूरा जीवन निरर्थक रहा। अगर तुम अपने भीतर पॉजिटिव एटीट्यूड लाओगे, पॉजिटिव दृष्टिकोण लाओगे तो खुश रहोगे, जीवन के आनंद का लाभ उठाओगे। और फिर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां लैम्ब डेरी को सुनाते हैं और
इतनी सारी कहानियां सुना सुना करके लैम्ब डेरी के मन में पॉजिटिविटी भर देते हैं। शाम होती है, डेरी के घर जाने का समय होता है। डेरी लैम्ब को धन्यवाद देते हैं और फिर अपने घर के लिए जाते हैं, या कह करके जाते हैं कि मैं जल्दी ही आऊंगा, जल्दी ही आपसे मिलूंगा। लैम्ब कहता है कि जो भी यहाँ आता है हर बार यही कह करके जाता है कि मैं आऊंगा, लेकिन जो एक बार यहाँ से चला जाता है कभी वापस नहीं करता आता है। डेरी कहता है कि मिस्टर लैम्ब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि चलो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है तुम आओगे। यह कह करके डेरी अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है और बताता है कि लैम्ब बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और पॉजिटिव इंसान है, और कैसे लैम्ब ने उसे अनेक पॉजिटिविटी से भरी हुई कहानियाँ सुनाई और मुझे अच्छी जीवन जीने के लिए, मुझे निडर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। मेरा आज पूरा जीवन पॉजिटिविटी से भर गया है, मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपने जले हुए चेहरे के साथ पूरे समाज में चलूंगा, मैं कभी अपने जले हुए चेहरे पर कोई अफसोस नहीं करूंगा। और उसके बाद वह कहते हैं कि लैम्ब ने मुझसे कहा है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आना, मैं पुनः लैम्ब के पास मिलने के लिए जाऊंगा। फिर वह लैम्ब से मिलने उसके बागीचे में जाते हैं। डेरी जब बागीचे में पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर लैम्ब सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से डेरी लैम्ब को देखता है किस तरीके से एक टांग से, एक टांग चुकी उनकी टिंग टिंग की बनी हुई है, वो ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन तभी उनका पांव फिसल जाता है और वे धड़ाम के साथ, एक शोर के साथ नीचे गिर जाते हैं, और जहां गिरते हैं वहीं मर जाते हैं। डेरी दौड़ करके उनके पास पहुंचता है, उनके मृत शरीर को छूता है और उनके मृत शरीर को देख करके दुखी हो जाता, अफसोस हो जाता है, अश्रु बहाता है और उनके डेड बॉडी को देख करके कहता है कि देखो मिस्टर लैम्ब, मैं यहाँ लौट करके आया हूँ। और इसी पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड नाइट।